कोर्स बहुत अच्छा लगता है। क्या कहना चाहेंगे, आपके रोल को काफी सराहा गया है, आपके रोल को काफी सराहा जा रहा है, काफी दमदार रोल किया है आपने, अप्रिशिएशन ज्यादा मिल रही है, तो क्या कितना अच्छा फील होता है? यार ऑफ कोर्स अच्छा लगता है, आप इतनी मेहनत करते हो किसी फिल्म के लिए और डायरेक्टर बहुत ब्रिलियंट डायरेक्टर थे सारा, तो खैर उन्हीं को श्रेय देना चाहिए और इस तरह की फिल्म को बढ़ावा मिलना चाहिए क्योंकि बहुत अलग फिल्म है और डेयर किया डेन्यू विजन ने इस फिल्म को बनाने में, तो मुझे लगता है इस तरह की फिल्में आगे बहुत बनेंगी। नवाज़ जी अगर बात करें तो ऑडियंस का ऐसा मानना है कि एंड में आप हीरो बन जाते हैं, मतलब आपको हीरो कहा गया इस मूवी का, तो क्या कहना है आपको? देखिए इसमें ये दो कैरेक्टर की फिल्म है, इसमें हीरो विलन कोई भी नहीं है, ये दो कैरेक्टर की फिल्म है और जिसमें एक इंसान अच्छा होता है एक बुरा होता है और बाद में वो एक बुरा हो जाता है एक अच्छा हो जाता है, ये दो कैरेक्टर की कहानी ना कि हीरो और विलन की। एक्चुअली नवाज भाई जो बुरापन था आपके अंदर फिल्म में, हाँ जो बुरापन था आपके अंदर फिल्म में, ऐसा क्या हो गया कि आप एलाबरेट करके बता सकते हैं हमारी ऑडियंस को जिन्होंने एक्चुअली में मूवी नहीं देखी है, ऐसा क्या हो गया कि पूरी तरह से चेंज हो गया, वही मेन लीड बन गया, वही सबसे अच्छा आदमी? एक्चुअली इसमें यह था ना कि जब वो काफ़ी बुरे काम करता है तो एक बार अपनी माँ के साथ बैठता है और उससे पूछता है कि मेरे बाप में कोई अच्छाई थी, तो वो बोलती है कि शायद मुझे तो नहीं पता अच्छाई थी या नहीं, और ये ऐसी चीज़ है जो बहुत कनेक्ट करती है लोगों से कि जैसे मेरे हम लोगों का भी हम सब की लाइफ में ऐसा होता है कि हम अगर हमारे फादर जो है उनमें जब हमें पता चलता है उनकी कोई अच्छाई नहीं थी या ये बुराइयाँ हैं तो वो आप रिपीट नहीं करते अपनी लाइफ में, तो मेरे ख्याल से ट्रिगर पॉइंट उसका यही था जब अपनी माँ से पूछता है। ये तो कैरेक्टर में नहीं, जब श्रीराम ने कहानी सुनाई थी तो पहले तो हम कहानी देखते हैं कि कहानी कैसी है, डज द स्टोरी मेक सेंस एंड क्या कोई इमोशनल कनेक्ट है उस स्टोरी के साथ, तो श्रीराम ने मुझे सुनाई, वो एक्चुअली उसने मुझे सुनाई के समझते हुए कि शायद मैं ना बोलूँगा कि इतनी कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि उसके दो चार दोस्तों ने उसको बोला था क्या वो पागल है, बट फॉर सम रीज़न उसको एक और पागल मिल गया और मुझे कहानी बहुत अच्छी लगी, और उसके बाद तभी उन्होंने सोचा था कि कैरेक्टर अबाउट 45 होगा और फिर उसको एज करेंगे, बट तब मैंने सोचा अगर यंगर होगा तो बेटर, तभी वरुण का फ़ोन आया, तो ये बहुत ही घिसी पिटी कहानी होगी ना, बहुत बार बोल दी है। कोई पॉजिटिव भी नहीं था, नहीं इस फिल्म में मतलब तीन तीन किरदार है, एक है नवाज, एक है वरुण और तीसरा है ऑडियंस एक्चुअली, क्योंकि ऑडियंस के लिए हमारे लिए क्या होता है कि जब हम रिवेंज फिल्म देखते हैं तो हमको लगता है कि ये होगा अभी हीरो का तो ये हो गया तो अभी वो जाके रिवेंज देगा आपको मजा आएगा, तो धीरे धीरे इस फिल्म में मतलब हम हीरो को क्वेश्चन करते हैं और विलन को प्यार करने लगते हैं। फीमेल लीड कौन थी एक्चुअली, वो बता दीजिए इसमें सर, कैरेक्टर स्टोरी बस मैं बहुत खुश हूँ, होली का गिफ्ट है, न्यू ईयर का गिफ्ट है, क्या बोलते हैं दिवाली का भी यही गिफ्ट है। कब है होली? I'm very happy to start with, but your question was, I think, to start with that, how important, it was very emotionally relevant, because I think this film, at least for the two of us, was, after Vinod, a very emotional film, and we wanted to keep it pure. When you say numbers, the fact is, I think the most important lesson is that the audiences are accepting different cinema. It's been accepted across the board. I think we as an industry sometimes don't accept that the audience will accept this. And because it's given numbers, I think it's forget it being Shriram, me, my company, Varun, Nawaz. I think it's very good for cinema that this film has done well, and it's actually done well for all of you all, because you guys have supported this film from the first trailer. So thank you very much. Shriram ji, अगर बात करें story की, तो story जो आपने जो इतनी अच्छी लिखी है, story में आपसे जानना चाहता हूँ, आपको ये idea आया कहाँ से, खास करके जो climax में हमने touch देखा, जो बहुत ही unexpected था, वो कैसे आपने सोचा? क्या था दिमाग में जो आपने ये change लाने की कोशिश की? इस फिल्म का हम लोग कहते हैं ना डोंट मिस द बिगिनिंग, लेकिन इसका क्लाइमैक्स भी एक चीज़ है जो मैं चाहता था कि मतलब हम इसको सॉल्व कर सकते थे, हमारे पास ऑप्शंस भी थे, हमने लिखा भी था, लेकिन मुझे लगा कि वो
ऑडियंस को ऑडियंस पे छोड़ना चाहिए कि अब क्या होगा। तो एक तरह से किसी ने कहा मुझसे कि क्लाइमैक्स इस फिल्म का एक इंटरवल की तरह है कि मतलब अब आगे क्या होगा हम सोचते हैं और फिल्म से निकलने के बाद वो हमारे मन में होता है। व्हाट इज द मोस्ट, मैं एक क्वेश्चन पूछूं श्रीराम से, कल मैं सोच रहा हूँ कि कल सैटरडे तो हमारी फिल्म क्या क्या मतलब कितना बिजनेस करेगी। मैं क्या पूछ रहा, हाँ तो मैं श्रीराम से पूछना चाह रहा था कि मैं भूल गया था एक्चुअली ऑनेस्टली, क्लाइमैक्स से रिलेटेड या स्टोरी से रिलेटेड था? स्टोरी से रिलेटेड था कि हाँ, सो हम बैठे थे साथ में, तो आपको सबसे इंटरेस्टिंग वो जो दो बार पिक्चर देखने वाले में अलग पिक्चर देखती है वो बताइए ना, क्या आपने क्या रिएक्शन देखा और बोलो सैटरडे के बारे में, जाओ वापस देखो। रिमेंबर यू टेलिंग मी एक्चुअली क्या था, हम बैठे थे और समवन सॉ द फिल्म अगेन, एंड व्हेन दे सॉ द फिल्म अगेन आई विल नॉट वांट टू नेम हु, बट एंड ही सेड कि यार मेरे को एक दो जो इशू थे पिक्चर में, मैंने जब वापस देखी तो मैंने पूरे डिफरेंट नजरिए से देखी एंड आई एक्चुअली रियली एंजॉयड द एंड ऑल्सो। सो एक्चुअली जब ये पिक्चर आप दूसरी बार देखेंगे, सो जैसे हमारे साथ हुआ, मेरा एक्चुअली डायरेक्टर है जो होमी आदजानी, जब उसने पिक्चर दूसरी बार देखी तो उसने बोला यार मुझे और अच्छी लगी। सो बिकॉज ऑफ यू ऑल सपोर्टिंग दिस फिल्म एंड द ऑडियंस सपोर्टिंग द फिल्म इन द फर्स्ट वीक, प्लीज गो सी इट अगेन वेरी सेल्फिशली। नहीं, मैं मानता हूँ कि इस फिल्म में दोनों कैरेक्टर्स बहुत ही, दोनों ने बहुत ही कमाल का काम किया है। नवाज़ अगर 10/10 है तो वरुण मतलब 8/10 है, तो आई डोंट माइंड दैट, यू नो, क्योंकि इट इज़ नॉट अबाउट कंपेयरिंग, इट इज अबाउट टू कैरेक्टर्स हु आर बोथ आल्सो टेरिफिक। आई थिंक नवाज़ हैज़ अ रोल व्हिच मेक्स यू लाफ एंड इट इज मे बी अ मोर एंटरटेनिंग रोल, बट एक्चुअली रघु का कैरेक्टर कुछ करता नहीं है, एंड सो एक्चुअली इट्स अ वेरी डिफिकल्ट कैरेक्टर टू प्ले व्हेन यू आर नाउ, वो पिक्चर में दो बार हंसता है, आंखों से बात करता है, सो आई थिंक इट इज़ अ मोर चैलेंजिंग एंड अ मोर डिफिकल्ट रोल टू प्ले, एंड फॉर वरुण टू डू इट आफ्टर दैट आई थिंक इट इज़ रियली कमेंडेबल, उसने अपनी इमेज तोड़ी है। एंड आई थिंक इट्स द बोल्डेस्ट एज एन एक्टर, द काइंड ऑफ डिसीजन इज टेकन इज द बोल्डेस्ट, यू नो, टू डू अ फिल्म लाइक दिस सो अर्ली। हाँ जी, मैं और होमी एक कहानी साथ में बनाने वाले हैं, बिकॉज और यू नो अगस्त में चालू करेंगे, पर अभी हम यहाँ हैं बदलापुर के लिए, शॉर्टली उसके बारे में बात करेंगे। I had several options for endings, but this was the one I felt was the most powerful. I think the journey was different, Shriram, but the end was always the same, that they changed roles, right? In a way. That was the end. I'm talking about the absolute climax, the last scene. There were lots of options for that scene. More dramatic. Shriram ji, agar hum bole ki kya ab iske baad bhi aap koi thriller film banayenge ya iske upar koi aur aisi dark stories? Nahi, kahani ke upar hai. Jab mujhe kahani achhi lagti hai to main whether it's whatever the story is, if the story connects with us, we will do. Shriram actually wo jo gana hai na sone ka pani, unka favorite gana hai picture mein, uske upar ek picture next plan kar rahe hain. Which other endings do you have in mind? See, I can spend half an hour, but I'll tell you one. एक एंड था कि मतलब जो लघु का कैरेक्टर है वो जो लायक का पासपोर्ट लेता है, उसको एक नाम होता है, अपना फोटो लगाता है और देश छोड़ देता है और पैसे को वहीं एयरपोर्ट पे छोड़ देता है कि वो पैसे नहीं लेगा वो, क्योंकि वो पैसा मतलब वो ब्लड बनी, लेकिन वो कहीं चला जाता है, लेकिन हमको लगा कि वो बाहर क्यों जाएगा, उसको जो मतलब एक यही रहेगा और उसको आई वांटेड टू रिजॉल्व इट No. We thought it was, we were just making a film as purely as possible, and the only lesson that is learned is that if you make a film with all heart, it finds audience and you get much more than you put in. Very soon. thank you very much. Thank you guys. जी, बहुत खुश हूँ. इट्स वेरी ओवरवेलमिंग दैट पीपल टुक नोटिस, बिकॉज रिलेटिवली इट्स अ स्मॉलर पार्ट एंड इट्स एन एनसेंबल विद सच अ ह्यूज सच अ बिग स्टार कास्ट, सो एक से बढ़कर एक है सब. तो आई एम वेरी वेरी हैप्पी दैट इट वॉज नोटिस्ड, आई एम वेरी ग्रेटफुल. I just opened my wardrobe and took something out, but that's well for you. Actually,
just a jumpsuit somewhere I bought in London, yeah. Actually, I'm sorry. नहीं, आई नेवर हैड अ सेकंड थॉट. इन फैक्ट व्हेन आई वाज ऑफर्ड दिस पार्ट, देयर आर अदर पार्ट्स दिस ओपन, एंड आई वाज लाइक, इफ आई वर गिवन अ चॉइस, यू नो, बट आई जस्ट थॉट दैट दिस पार्ट I was very attracted to because I couldn't relate to Coco right in the beginning because of the kind of steps she takes, and I was like, oh my god, this is a bit different from what I would do probably or I would think. So I think it was more challenging that way, and I've never had second thoughts. I mean, when Shriram narrated the film to me, I was like, I want to do it, whatever you give me, I want to do it. No, yeah, not at all. I don't have any inhibitions at all about things ever. I think it's a pseudo taboo, and I think it's quite pseudo to say that, oh my god, I feel this and I feel that. When today we see so much of world cinema, we see so many things, and people are doing, you know, different parts. They challenge themselves in every film, and we have, if we do something different, we are asked that ye kitna bold hua, yeah. I mean, and it's a natural reaction from our society, but I feel that we should break that, and which is why I feel when a film like Badlapur crosses 40 or reaches 40 in the first week, it's incredible, because then we are more eager to take more risks, you know, and go try break the barriers or whatever. Quite cliche, but वरुण का राज क्या यार, उसको वरुण का राज वो हर शाम को माँ ने बनाया हुआ ग्रिल चिकन खाता है और वो शेयर भी करता है. वरुण, यस. Well, I personally really love working with Nawaz, but I've done a film with him called Mountain Man, which will release this year. So I've spent a lot of time working with him too, and I'm sure that hopefully we'll get more opportunities to work together. But what the part that I had was just so wonderful in this film that I'd never really thought about these things. I have Hunter coming next month, and then Mountain Man will release, and there's another film called Kaun Kitne Pani Mein with Kunal Kapoor, and there's Parched with Leena Yadav, and there's Chokher Bali with Basu, and a couple of more projects. I'll let you know as and when. अरे यार, शूटिंग कर रही हूँ मैं होली के दिन. Yeah, he saw the film and he really liked it. He loved it, and he complimented me, which was great because he's very, very cynical and very sort of particular about what he likes. So he was very happy, and that was great that he loved it. Yeah. Yeah. I wish you a very happy Holi, and play Holi on my behalf also, because I'm gonna be shooting. अरे यार, मैंने कभी मैच देखती नहीं हूँ, पर भारत जीत जाए बस इतनी इच्छा है. थैंक यू. मैं रिवेंज नहीं खेलती. वेरी नाइस रोल. थैंक यू. बट वेरी गुड रोल. हैप्पी अबाउट द थिंग. हैप्पी अबाउट द वे बल्लभपुर. I'm superbly happy because one, I love Shriram Raghavan's work. Two, it's the first time, pehli baar hai ki main Varun Dhawan Nawaz ke saath kaam kar rahi hu. Teesri baar, jab ek film bahut khoobsurat banti hai to aap chahte hain use log sarahein, aur aisa hua hai aur bahut achhi tarah se hua hai, aur aapka kaam bhi pasand kiya jaye to I think sone pe suhaga hota hai. So for me it's a third consecutive hit, so I'm very happy. Well, the boys like the kiss moment. I like my introduction. जी, जो दिल को अच्छा लगे और ऐसा लगे कि कुछ अलग कर रहे हैं, और जाके सेट पे थोड़ा नर्वस होंगे, वो चीज़ करना ज़रूरी होता है. लास्ट ईद पे
होली के लिए सबको ढेर सारी शुभकामनाएं, खूब अच्छे से खेलें, मस्ती से खेलें, ऑर्गेनिक कलर्स के साथ खेलें, और मेरा प्लान है एज ऑलवेज हम लोग शबाना जी के घर जाएंगे और खूब मस्ती करेंगे। थैंक यू। आई थिंक आई एम वन ऑफ द मोस्ट हैप्पीएस्ट, ऑब्वियसली मेरा बेटा है, बट ही इज टेकन अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेप टू डू अ फिल्म लाइक दैट एंड इट्स वर्क्ड। बहुत मेहनत की है उसने, वो नज़र आता है, और ये खुद की डिसीजन है उसकी कि ये फिल्म करनी चाहिए उसको। आई मीन टुडे इज़ अ वेरी ग्रेट डे, मैंने इतनी फिल्में बनाई, इतनी सक्सेस देखी, पर ये सक्सेस जो है ना, ये मेरे लिए बहुत बड़ी रख, मतलब बहुत अहमियत रखती है। इज नथिंग लाइक इट, ही शुड लाइक अ स्क्रिप्ट टू डू एनी स्क्रिप्ट, यू नो, इज नॉट द जॉनर और समथिंग। ऑब्वियसली ही चोज दिस, ही डिड वेल, वी ऑल वेरी हैप्पी, ऑब्वियसली हिज एक्टिंग हैज प्रूव्ड इट ऑल्सो। तो हाँ जी देवी जी, अगर बात करें इस फिल्म की, तो इस फिल्म का जो कॉन्सेप्ट बहुत रिस्की है, बहुत डेंजर, तो जब आपको पहली बार वरुण ने आपको बताया, तो आपका पहला रिएक्शन क्या था? सोचा मैंने कहा सोच ले बेटा, तो थोड़ा सा मैं मतलब अनडिसिसिव था, बट जब मैंने उसकी फिल्म देखी पहले, मतलब अभी रिलीज नहीं हुई थी, एंड देन थोड़ा सा हौसला आया, मैंने कहा नहीं पिक्चर अच्छी है, अरे एंड दे वर्कड वेरी हार्ड, यू नो, इसमें डीनू ने और वरुण ने मिल के बहुत मेहनत की। ऑब्वियसली श्रीराम राघवन का ये स्कूल है एंड ही इज़ द बेस्ट एट इट। हाँ, इन द फिल्म नो, देयर आर लॉट ऑफ शॉट्स, बट वो द टाइम व्हेन ही गेट्स डाउन फ्रॉम द ट्रेन, यू नो, टोटली रेक्ट, दाढ़ी बड़ी हुई है, फर्स्ट टाइम व्हेन यू सी हिम, ही इज वॉकिंग, ही इज एज्ड, एंड दैट वॉक हैड द वेरी हैवीनेस एंड द इमोशन, यू कुड फील के ये टूट गया अभी, मतलब ही इज बीन स्ट्रगलिंग टू गेट हिज रिवेंज, जो नहीं हो रहा है। आई मीन ही वॉज आउटस्टैंडिंग, जस्ट अ साइलेंट शॉट वॉकिंग टूवर्ड्स द कैमरा, सो वेरी आउटस्टैंडिंग, सुपर्ब। और आप बिलीव नहीं करो, मैंने जब रश प्रिंट देखा था, मैंने कहा ये हाईलाइट है पिक्चर, बिकॉज वो स्कूल मुझे मालूम है, वो एंटरटेनमेंट का स्कूल, गलत नहीं, एंड नवाज इज वेरी गुड, ही इज व्हाट अ पावरफुल एक्टर ही इज, मतलब कम लाइनों में खेलता है, बट द वे ही हैज एक्टेड ही सुपर्ब। और वो टीम है ना, एक बहुत सीरियस है और एक थोड़ा एंटरटेनिंग है, सो दैट वर्क्ड वेरी वेल। और बहुत कैट एंड माउस उनकी गेम भी बहुत अच्छी पिक्चर है। Yeah, that's the new thing. You know, that's the new. No, I was not ready to digest it in the beginning, you know. When I saw it the second time, the third time I saw it, I said, ye work kar raha hai. I saw it twice before the third time. Okay, thanks. Thank you. आप दोनों का इतना अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा इस फिल्म के बारे में, अब जब फिल्म इतनी अच्छी सक्सेस हो गई, तो क्या कहना है आपको? यार बहुत खुशी होती है ऑब्वियसली, फिल्म जब चलती है तो यू फील ऑब्वियसली वेरी एक्साइटेड, वेरी थ्रिल्ड, नॉट जस्ट अलोन बट सबके लिए, बिकॉज शूटिंग के दौरान एक परिवार सा हो जाता है सबके साथ, सो ऑब्वियसली वेरी थ्रिल्ड, वेरी हैप्पी। बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पांस मिला, छोटा सा किरदार था हम दोनों का ही, मेरा कुछ ज़्यादा ही छोटा सा था, लेकिन फिर भी नोटिसेबल था, मुझे काफ़ी कॉल्स आए, मैसेजेस आए, अभी भी आ रहे हैं, लोगों ने ये मूवी मेरे ख्याल से, मैं जिस शो का हिस्सा हूँ उस शो में, उन मेरे को एक्टर्स ने और भी मेरे दोस्तों ने दो दो बार देखी हैं, पसंद की है, मेरा काम सराहा, एंड आई थिंक द क्रेडिट गोज़ टू द डायरेक्टर ऑफ कोर्स एंड द प्रोड्यूसर्स for supporting the director. Sir, हाँ मिस किया, क्योंकि बहुत ही प्यारा लड़का है और बहुत ज़्यादा उसकी वो नहीं हुई, क्योंकि ABCD 2 मैंने की वरुण के साथ, और बहुत कमाल एनर्जी का बंदा है, तो बट मज़ा आया ओवरऑल, तो आई मिस हैविंग अ फ्यू सीन्स विद वरुण। जिस तरीके इसकी एंडिंग है, खास करके जो अगर एंडिंग की बात करें,
No, I think screenplay, story-wise, I think the entire credit, the way the film flows, I think उसकी पूरी credit श्रीराम सर को जाती है और अगर किसी भी किरदार की हम लोगों की किसी की भी तारीफ हो रही है फिल्म तो I think the entire credit like Ashwini said goes to श्रीराम सर but नवाज की तारीफ क्या करें नवाज has his own thinking he has his own idiosyncrasy the way he takes a character to another level as an actor as a co-actor बहुत बहुत मजा आया और कमाल का एक्टर मुझे लगता है थैंक यू थैंक यू वो एक्चुअली हमारे शूटिंग का पहला दिन था हम लोग ने हाईवे पे शूटिंग की थी उसकी एंड ऑब्वियसली डर लगा था बट जिस जोन में वो शूटिंग कर रहे थे सुसाइड करने का यू हैव टू बी फियरलेस इट्स लाइक द एंड ऑफ योर लाइफ और उसके हम लोग ने कुछ 30 टेक्स किए थे क्योंकि जो स्टडी कैम था वो काफ़ी हिल रहा था एंड अनिल सर श्रीराम खुश नहीं थे तो उसी दिन मुझे पता चल गया था कि ये पिक्चर मेरे लाइफ की सबसे डिफिकल्ट पिक्चर होने वाली है क्योंकि सुसाइड करने के लिए 30 अटेम्प्ट दिए मैंने तो अरे आई थिंक थोड़ा तो ऑब्वियसली डेक्सटर का इन्फ्लुएंस है मुझ पर आई एम अ बिग फैन ऑफ डेक्सटर एंड माइकल सी हॉल बट उससे ज़्यादा आई थिंक श्रीराम राघवन अगर क्रिमिनल माइंड के बारे में बात करें सो जो भी उठपटांग या जो भी क्रेजी थिंग्स हम लोग ने इस पिक्चर में किए थे ऑल इन द माइंड ऑफ श्रीराम राघवन एंड हिज एसोसिएट पूजा एंड अनिल मेहता जो हमारे कैमरा मैन है ही डिजर्व्स लॉट ऑफ क्रेडिट बट चेंज मच आप देख सकते हैं मेरे जो इतने अच्छे मित्र हैं अर्जुन कपूर अभी भी ऐसे ही छेड़ेंगे मुझे बट आई डोंट थिंक इतना चेंज हुआ है जैसे श्रद्धा के साथ अभी मैं आया हूँ गाड़ी में वो मुझे बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं देती वो जीरो रिस्पेक्ट देती है मुझे एंड तंग करती है आप थोड़ा तो रिस्पेक्ट दो ना इतनी अच्छी पिक्चर की बिल्कुल मैं आई होप कि रघु का जो किरदार है वो लोगों के जहन में लोगों के दिलों में रहेगा एंड इट स्टे विद पीपल फॉर वेरी लॉन्ग बट आई थिंक विद एवरी फिल्म वी ट्राई एंड चेंज आई थिंक अभी ABCD2 आ रही है एंड अभी मुझे लोग सुरेश के नाम से जानेंगे वो मेरा कर्तव्य एक्टर के तौर पे कि यू नो मी एज द कैरेक्टर्स आई वरुण बट यू सेड दैट वरुण जैसे अपने रघु का कैरेक्टर किया आप उससे दूर भागना चाहते हैं बट नाउ आफ्टर द सक्सेस क्या अभी आप एक्सपेरिमेंट करने के लिए तैयार हैं पूरे 100% आई थिंक द मोर क्रेजियर द मोर ट्विस्टेड स्क्रिप्ट्स आई गेट आई विल बी एक्सेप्टिंग देम इट जस्ट डिपेंड्स कि डायरेक्टर कौन है और किस तरीके के स्क्रिप्ट्स हैं कितने अच्छे मिले वो बस वो वरुण आगे इंटेंस कैरेक्टर में आप नजर आने वाले हां आई थिंक ABCD2 भी थोड़ा बहुत इंटेंस है क्योंकि देश के बारे में तो वो थोड़ा इंटेंस है एंड बट आई थिंक USP जो पिक्चर की वो मेरी अभिनेत्री है श्रद्धा कपूर आई एम प्रेजिंग यू ओनली डोंट वरी इस फिल्म के लिए यू नो ऑनेस्टली फिल्म इंडस्ट्री से बहुत मिले सोशल मीडिया पे बहुत मिले बट आई थिंक द बिगेस्ट थिंग इज बीन द ऑडियंस बिकॉज इस फिल्म को ऑडियंस ने हिट कराई है सो आई मेट समवन टुडे हू टोल्ड मी दैट दे सीन द फिल्म 4 times तो मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात है मीडिया से जितने भी लोग मैं मिलता हूँ वो मुझसे हमेशा इस फिल्म के लिए बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं बिकॉज दे आर वी आर ऑल इन द सेम फील्ड एंड अगर उनको लग रही है कि अच्छी पिक्चर है क्योंकि दे सी द मैक्सिमम फिल्म्स इट डेफिनेटली इज अ गुड फिल्म जितना भी कहूँ कम कहूँगा आज उनको नचाने वाला हूँ ऊपर और पानी पिएंगे साथ में एंड बहुत मस्ती करेंगे उसके बारे में नो कमेंट्स होली के लिए हम लोग ABCD2 पे रैपअप पार्टी कर रहे हैं सदा ने बहुत पैसे बनाए इस साल तो वो पार्टी दे रही है हम लोगों को एंड या हंड्रेड परसेंट मुझे हर जॉनर पसंद है अभी तो डांस में पूरा आई एम इनगल्फ्ड इन डांस एंड डांसिंग इज एवरीथिंग
कैन सी दिस वन, ये रिवील किया हम लोग ने बस मीडिया को, और भी है बट वो अभी ये भी है और एक और भी है ऊपर और भी है वो नहीं दिखा सकता. We all are by dancing. I think he's the god of dancing and Remo sir ke favorite dancer hai. And Remo sir has this tattoo, so that's why I have it. Meri puri jo star cast ABCD ke aane wali, because hum log shoot khatam karke aaye, to main वो भी आई थिंक बहुत लोग हैं एबीसीडी टू में, बट अभी मैं जो अच्छा उन लोगों को फोटो लूँ, मैं एक्चुअली ज़्यादा रिवील नहीं करना चाहता क्योंकि काफ़ी USPs है फिल्म में, बट बदलापुर की सक्सेस के बाद आई गॉट अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस एबीसीडी टू को लेके, तो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड. लास्ट यू नो एबीसीडी टू के टाइम पे बहुत लोगों को इंजरी भी पहले लगी आई है, अभी तो आग ही लगी है. आग हुई थी सेट पे, पर लकीली ऑल सेफ एंड किसी को लगा नहीं. देयर वाज 600 पीपल दैट गॉट इवैक्यूएटेड उधर से एंड वी आर ऑल सेफ. दैट इज कम नाउ वी हैव टू गो. कहना नहीं चाहती लेकिन मैंने अभी तक फिल्म नहीं देखी है, लेकिन इतनी सारी चीज़ें सुनी है फिल्म के बारे में कि बहुत ही कमाल का काम किया है वरुण ने खास करके, और नवाजुद्दीन ने बहुत अच्छी चीज़ें और फिल्म के बारे में बहुत अच्छी चीज़ें सुनी है, पर अभी तक मैंने नहीं देखी है क्योंकि हम अभी हम शूट करें ABCD 2 के लास्ट कैड में हम है, और जैसे आपने सुना है कल सेट पे एक फायर हुआ, पर लकीली हमने आज जम के शूट की, तो वी आर बैक ऑन सेट टुडे एंड वहीं से आ रहे हैं मैं और वरुण इकट्ठे आए हैं यहाँ पे. तो आई होप कि आई थिंक कि जब एक ऑफ डे मिलेगा तो मैं जाके देखूंगी फाइनली बदलापुर. वरुण ने एक्चुअली मुझे पोस्टर दिखाया था सेट पे और एकदम हथौड़ा वथौड़ा लेके एकदम इंटेंस रोल में दिख रहे थे, तो मुझे इंस्टेंटली मैंने बोला कि वरुण दिस इज गोइंग टू बी लाइक समथिंग एल्स, और वही हुआ. तो आई थिंक कि मैं बदलापुर देखूंगी उसके बाद मुझे आई विल बी एबल टू से कि वो इंटेंस में और अच्छे है कि इन रोमांस, बट आई थिंक कि जैसे रिव्यूज उन्हें मिले हैं बदलापुर में तो डेफिनेटली उन्हें इंटेंस भी सुना है कि शूट हो रहा है. मैं टिप्स मेरे डैड मेरे घर पे, मैं क्यों टिप्स दूंगी? आई मीन मेरे डैड है घर पे, मेरी मासी है घर पे, मेरी मॉम है, हम हमेशा फिल्मों के बारे में बात करते रहते हैं और कोशिश करते हैं कि जितना टाइम स्पेंड कर पाए इकट्ठा कर ले, पर मेरे डैड तो हमेशा काम पे ही रहते हैं तो उनसे रेयरली मुलाकात होती है, और अभी मैं भी काम पे लग गई तो मुझसे भी मुलाकात काफ़ी रेयरली होती है मेरी मॉम से, पर टिप्स तो मेरे डैड ही देते हैं. So every day there will be something new only. The best thing is to not try to not react only.
I'm just very happy that we're doing the last schedule of ABCD 2. We're happy and sad because it's coming to an end. तो क्या होता है कि हमने इतने मतलब बॉन्डिंग से काम की है. सारे बॉयज़ भी यहाँ पे आ रहे हैं. वरुण ने हमारी ABCD 2 गैंग को भी यहाँ पे बुलाया है. हमारी बॉन्डिंग इतनी सॉलिड हो गई है कि अभी धीरे धीरे जैसे ही दिन कम होते जा रहे हैं शूट के, हम और भी अपसेट होते जा रहे हैं. हाउ डू आई रिएक्ट ऑन दैट? व्हाट डू आई से? इट्स द सेम आंसर ऑल द टाइम. तो वी आर friends and we will always be friends and that's what it is. By me and my mom. पर वो earrings मिल गए, मिल गए. तो चोर actually हमें लगा कि मेरे dad को लगा कि कोई था, पर मेरे dad का वो जो earring था उन्हें किसी ने आके, some well wisher, really sweet person came and gave the earring back. तो माई डैड वॉज लाइक, ऐसा भी होता है दुनिया में, अच्छे लोग हैं दुनिया में, तो वो अच्छी बात है ना. थैंक यू गाइस. या होली के प्लान्स है कि ABCD 2 क्रू के साथ हम होली मनाने वाले साथ में. तो या थैंक यू गाइस. ग्रेट मूवी वॉज ग्रेट एंड इट्स रियली नाइस टू सी यू गाइस. Oh my god, Nawaz is always great. So when someone's always great, you kind of forget them. So sorry, Nawaz. जी अभी तक तो नहीं देखी मैंने, क्योंकि मेरा स्केड्यूल चल रहा है और बहुत ही टाइट स्केड्यूल चल रहा है. ऊपर से बाहर की बहुत सारी टीम आई हुई, इसलिए नहीं देखा. लेकिन जिस दिन मौका मिलेगा उस दिन सबसे पहले जाके देखूंगा. मे बी शायद कल मेरे पास छुट्टी है तो कल देखूंगा. जी हाँ, वहाँ पे भी काफ़ी अनफॉर्चुनेट है, बट लेकिन अच्छी बात यह है कि किसी को नुकसान नहीं हुआ और सेट जला है वो वापस लग सकता है. लेकिन लोगों को कुछ होता तो शायद प्रॉब्लम होती, लेकिन कुछ नहीं हुआ है किसी को भी. और इनफैक्ट आज ही हमने वापस शूटिंग चालू कर दी है, थैंक गॉड कि किसी को कुछ नहीं हुआ. बहुत ज़्यादा स्पेशल है मेरे लिए ये फिल्म और तो सभी पूरी जान लगा दी है मैंने. तो होपफुली लोगों को वो दिखाने का कुछ कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ जो देखा ना हो आज तक, सो उसी कोशिश में सारा दिन रात लगा हूँ. सॉरी मैम, एक्ट की क्या, ऑफकोर्स मैं पूरी फिल्म बना रहा हूँ मैं ABCD, जिसमें आप लोगों को ना ही मेरा डांस बट कि बहुत सारे लोगों का डांस देखने को मिलेगा, इंटरनेशनल डांस देखने को मिलेगा. सो इंटेंस तो है क्योंकि इंटरनेशनल ज़्यादा हैं इस बार और पूरे वर्ल्ड के सारी दूसरी टीमों से टक्कर लेने वाले हैं और ये जो टीम है वो इंडिया की टीम है, तो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो देशभक्ति तो ज़रूर होगी इसमें. बिल्कुल नहीं हुई. मैंने ABCD 1 बनाई थी, डांसरों को लेके एक्ट कराया था और इसमें मैं एक्टर को लेके डांस करा रहा हूँ, तो मेरे लिए तो दोनों सेम था. बहुत ही इजी है. नहीं नहीं, ये दोनों के दोनों बहुत अच्छे डांसर हैं, आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा जब फिल्म देखेंगे. जी अब वो बहुत पहले से मेरा उनको एक वादा था कि मैं उनको जब भी मैं ABCD 2 बनाऊंगा तो मैं उनको मौका दूंगा, तो उनकी एक झलक देखने को मिलेगी आपको. फिलहाल तो मैं यही कहूंगा कि बहुत सारे स्पेशल परफॉर्मेंस हैं, तो वेट एंड वॉच. या दैट इज़ माई नेक्स्ट फिल्म विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय बालाजी एंड अभी तक मैं ABCD ख़त्म नहीं कर पाया हूँ, तो जिस दिन ख़त्म करूँगा उसके बाद मैं वो सोचूंगा. सो यस, नथिंग, आई थिंक आई एम हैप्पी विद डायरेक्शन एंड माय कोरियोग्राफी, सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी. डेमो सर, अगर बात करें ABCD 2 के दौरान, आपने तो देखा होगा ड्यूरिंग ट्रेलर्स की वरुण का कैरेक्टर कैसा है, तो कभी ऐसा हुआ कि ऑन द सेट्स ऑफ ABCD 2 आपने वो रघु दिखाई दिया है? इनिशियली जब जैसे ABCD स्टार्ट हुआ था, तो जब वो पहले दो चार दिन तो वो मुझे रघु ही दिखाई दिया था सेट पे, बिकॉज वो बहुत ही इंटेंस था,
उसकी एक आईब्रो ऑलवेज ऐसी रहती थी, तो धीरे धीरे उसको बोलना पड़ा कि यार ABC2, क्योंकि ABC2 में इतने सारे यंग डांसर्स हैं तो उनके साथ मिलके ज़्यादा टाइम नहीं लगा। अगर दूसरी कोई फिल्म होती तो शायद वो उनको निकलने में बहुत टाइम लगता है, ABC2 है इसलिए जल्दी निकल पाया। वी हैव जैकलिन फर्नांडिस। सभी दर्शकों को मेरी तरफ से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, होली खेलिए लेकिन सेफ खेलिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। Thank you.